जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। दोस्तों, आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से सख्ती बढ़ रही है, या फिर कह लीजिए लॉकडाउन आ रहा है। इस वजह से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं या फिर अपने गाँव जाना चाहते हैं, उसी चीज़ को देखते हुए दिल्ली से भी लोग अपने घर की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को भलीभांति समझते हुए रेलवेज़ ने नई ट्रेनों को शुरू किया हुआ है। भारत के हर कोने से भारत के हर कोने की ओर जाने वाली समर स्पेशल ट्रेन्स को भारतीय रेल बैक टू बैक लेकर आ रहा है। आज के इस वीडियो में उन्हीं सब ट्रेनों के बारे में जानकारी होगी। मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब मैं आप लोगों को उन सभी ट्रेनों के बारे में जानकारी दे देता हूँ जिन ट्रेनों का संचालन इसी हफ्ते में या फिर इस अप्रैल के महीने में होगा। ट्रेन नंबर 01178 भागलपुर मुंबई LTT स्पेशल, ये ट्रेन 17 अप्रैल को चलाई जाएगी केवल भागलपुर जंक्शन से मुंबई LTT तक। इस ट्रेन में सेकेंड सीटिंग स्लीपर क्लास थर्ड AC क्लास के कोचेज होंगे। ये ट्रेन भागलपुर जंक्शन से सुबह 6 बजे चलेगी 17 अप्रैल को। इस ट्रेन का ट्रैवल टाइम है 49 घंटे 50 मिनट का और मुंबई LTT ये ट्रेन सुबह 7:50 पर पहुँचेगी। ट्रेन नंबर 04004 आनंद विहार टर्मिनल भागलपुर समर स्पेशल, ये ट्रेन केवल 15 अप्रैल को चलाई जाएगी आनंद विहार टर्मिनल से भागलपुर जंक्शन तक। इस ट्रेन में सेकेंड सीटिंग और स्लीपर क्लास के कोचेज होंगे। ये ट्रेन 15 अप्रैल को आनंद विहार टर्मिनल से रात में 11 बजे चलेगी। इस ट्रेन का ट्रैवल टाइम है 20 घंटे 30 मिनट का। 17 स्टेशनों पर यह ट्रेन रुकेगी। भागलपुर जंक्शन ये ट्रेन शाम को 7:30 पर पहुँचेगी। ट्रेन नंबर 01444 गोरखपुर पुणे स्पेशल वाया लखनऊ, ये ट्रेन 17 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, 24 अप्रैल तक चलेगी गोरखपुर जंक्शन से पुणे जंक्शन तक। ये ट्रेन हफ्ते में 2 दिन चलाई जाएगी, हर बुधवार और शनिवार को। ये ट्रेन हर बुधवार और शनिवार को गोरखपुर जंक्शन से रात में 9:15 पर चलेगी पुणे जंक्शन। ये ट्रेन अगले दिन सुबह 6:25 पर पहुँचेगी। ट्रैवल टाइम होगा लगभग 33 घंटे का। ट्रेन नंबर 09502 गुवाहाटी ओखा स्पेशल, ये ट्रेन 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, 3 मई तक चलेगी गुवाहाटी से ओखा तक। ये ट्रेन हफ्ते में 1 दिन चलाई जाएगी, हर सोमवार को। इस ट्रेन में सेकेंड सीटिंग और स्लीपर क्लास के कोचेज होंगे। ये ट्रेन हर सोमवार को गुवाहाटी से रात में 8:40 पर चलेगी। इस ट्रेन का ट्रैवल टाइम है 65 घंटे 20 मिनट का। 38 स्टेशनों पर यह ट्रेन रुकेगी। ओखा ये ट्रेन दिन में 2 बजे पहुँचेगी। ट्रेन नंबर 09303 डॉक्टर अंबेडकर नगर कामाख्या स्पेशल, ये ट्रेन 16 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, 30 अप्रैल तक चलेगी डॉक्टर अंबेडकर नगर से कामाख्या तक। ये ट्रेन हफ्ते में 1 दिन हर शुक्रवार को चलाई जाएगी। इस ट्रेन में सेकेंड सीटिंग स्लीपर क्लास और सेकेंड AC क्लास के कोचेज होंगे। ये ट्रेन डॉक्टर अंबेडकर नगर से हर शुक्रवार को दोपहर में 12:45 पर चलेगी। इस ट्रेन का ट्रैवल टाइम है 45 घंटे 15 मिनट का। लगभग 19 स्टेशनों पर यह ट्रेन रुकते हुए अपनी यात्रा पूरी करेगी। ये ट्रेन कामाख्या जंक्शन दिन में 10 बजे पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 01164 दानापुर मुंबई LTT स्पेशल, ये ट्रेन 17 अप्रैल को चलाई जाएगी और 27 अप्रैल तक चलेगी दानापुर से मुंबई LTT तक। ये ट्रेन हफ्ते में 2 दिन हर मंगलवार और शनिवार को चलाई जाएगी। इस ट्रेन में केवल सेकेंड सीटिंग क्लास के कोचेज होंगे। ये ट्रेन दानापुर से हर मंगलवार और शनिवार को सुबह 8:30 पर चलेगी। इस ट्रेन का ट्रैवल टाइम है 29 घंटे का। 9 स्टेशनों पर यह ट्रेन लगभग रुकेगी। ये ट्रेन मुंबई LTT दिन में 1:30 पर पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 01128 हटिया मुंबई LTT सुपरफास्ट स्पेशल, ये ट्रेन 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, 2 मई तक चलेगी हटिया से मुंबई LTT तक। ये ट्रेन हफ्ते में 2 दिन चलाई जाएगी, हर रविवार और मंगलवार को। इस ट्रेन में सेकेंड सीटिंग स्लीपर क्लास और थर्ड AC क्लास के कोचेज होंगे। ये ट्रेन हर रविवार और मंगलवार को हटिया से सुबह 8:40 पर चलेगी। इस ट्रेन का ट्रैवल टाइम है 28 घंटे 50 मिनट का। मुंबई LTT ये ट्रेन दिन में 1:30 पर पहुंचेगी। ये ट्रेन लगभग 15 स्टेशनों पर रुकते हुए अपनी यात्रा पूरी करेगी। ट्रेन नंबर 01179 पनवेल लखनऊ जंक्शन स्पेशल, ये ट्रेन केवल 15 अप्रैल को चलाई जाएगी पनवेल जंक्शन से लखनऊ जंक्शन तक। इस ट्रेन में सेकेंड सीटिंग और स्लीपर क्लास के कोचेज होंगे। ये ट्रेन पनवेल जंक्शन से केवल 15 तारीख को रात में 12:10 पर चलेगी लखनऊ जंक्शन। ये ट्रेन अगले दिन सुबह 8:50 पर पहुंचेगी। ट्रैवल टाइम है 32 घंटे 40 मिनट का। 11 स्टेशनों पर यह ट्रेन लगभग रुकेगी। ट्रेन नंबर 086
45 ईस्ट कोस्ट स्पेशल। ये ट्रेन 18 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, 2 मई तक चलेगी। हावड़ा जंक्शन से हैदराबाद तक ये ट्रेन हफ्ते में 7 दिन चलाई जाएगी। इस ट्रेन में सेकेंड सीटिंग स्लीपर क्लास, थर्ड एसी क्लास और सेकेंड एसी क्लास के कोचेस होंगे। ये ट्रेन हर दिन हावड़ा जंक्शन से दिन में 11:30 पर चलेगी। इस ट्रेन का ट्रैवल टाइम है 30 घंटे का। लगभग 53 स्टेशनों पर ये ट्रेन रुकते हुए अपनी यात्रा पूरी करेगी। ये ट्रेन हैदराबाद शाम को 5:30 पर पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 08646 ईस्ट कोस्ट स्पेशल। ये ट्रेन 16 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और 30 अप्रैल तक चलेगी। हैदराबाद से हावड़ा जंक्शन तक ये ट्रेन हफ्ते में 7 दिन चलाई जाएगी। इस ट्रेन में सेकेंड सीटिंग स्लीपर क्लास, थर्ड एसी क्लास और सेकेंड एसी क्लास के कोचेस होंगे। ये ट्रेन हर दिन हैदराबाद से सुबह 8 चलेगी। इस ट्रेन का ट्रैवल टाइम है 30 घंटे 40 मिनट का और लगभग 53 स्टेशनों पर रुकते हुए ये ट्रेन अपनी यात्रा पूरी करेगी। और ये ट्रेन हावड़ा जंक्शन हर दिन में 2:40 पर पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 04002 आनंद विहार टर्मिनल सीतामढ़ी समर स्पेशल। ये ट्रेन केवल 16 अप्रैल को चलाई जाएगी आनंद विहार टर्मिनल से सीतामढ़ी तक। इस ट्रेन में सेकेंड सीटिंग और स्लीपर क्लास के कोचेस होंगे। ये ट्रेन 16 अप्रैल को आनंद विहार टर्मिनल से रात में 11 चलेगी। इस ट्रेन का ट्रैवल टाइम है 25 घंटे 25 मिनट का। 31 स्टेशनों पर यह ट्रेन लगभग रुकेगी। ये ट्रेन सीतामढ़ी रात में 12:25 पर पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 04088 आनंद विहार टर्मिनल जोगबनी समर स्पेशल। ये ट्रेन केवल 17 अप्रैल को चलाई जाएगी आनंद विहार टर्मिनल से जोगबनी तक। इस ट्रेन में सेकेंड सीटिंग और स्लीपर क्लास के कोचेज होंगे। ये ट्रेन 17 अप्रैल को आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 8:10 पर चलेगी। इस ट्रेन का ट्रैवल टाइम है 23 घंटे 40 मिनट का। लगभग 17 स्टेशनों पर यह ट्रेन रुकेगी। ये ट्रेन जोगबनी सुबह 7:50 पर पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 09304 कामाख्या डॉक्टर अंबेडकर नगर स्पेशल। ये ट्रेन 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, 3 मई तक चलेगी। कामाख्या से डॉक्टर अंबेडकर नगर तक ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन हर सोमवार को चलाई जाएगी। इस ट्रेन में सेकेंड सीटिंग स्लीपर क्लास और सेकेंड एसी क्लास के कोचेस होंगे। ये ट्रेन हर सोमवार को कामाख्या जंक्शन से सुबह 5:35 पर चलेगी। इस ट्रेन का ट्रैवल टाइम होगा लगभग 46 घंटे का और 19 स्टेशनों पर रुकते हुए ये ट्रेन अपनी यात्रा पूरी करेगी। ट्रेन नंबर 05186 पनवेल गोरखपुर समर स्पेशल वाया बस्ती। ये ट्रेन 16 अप्रैल को शुरू हो जाएगी और 20 अप्रैल तक चलेगी पनवेल जंक्शन से गोरखपुर जंक्शन तक। ये ट्रेन हफ्ते में 2 दिन हर मंगलवार और शुक्रवार को चलाई जाएगी। ये ट्रेन पनवेल जंक्शन से हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 9:15 पर चलेगी। इस ट्रेन का ट्रैवल टाइम है 30 घंटे 15 मिनट का। लगभग 12 स्टेशनों पर यह ट्रेन रुकेगी। ये ट्रेन गोरखपुर जंक्शन दिन में 3:30 पर पहुंचेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जितनी भी ट्रेनों के बारे में जानकारी दी है, इन ट्रेनों में से बहुत सी ट्रेनों की टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। आप लोग टिकट बुक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। मिलता हूं आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।